इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में, बगैर किसी छत के इस ठंडी जमीन के ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ पर क्या करते हो आप? मैं यहाँ पे वेट मशीन लगाता हूँ, पार्ट टाइम में पढ़ता हूँ, फर्स्ट टाइम हिफ्ज करता हूँ। हम तीन ब्रदर है, हम सारे यानी ब्लाइंड है। मसवाक, तस्बीह, ये काम भी मैं करता हूँ जुम्मे के दिन। कितने सपारे आपने हिफ्ज कर ली? मेरे 20 पारे होंगे अभी हिफ्ज। सपारे माशाल्लाह आपने हिफ्ज कर ली है? हाँ जी। कितनी देर में किए? मैंने अभी किए तकरीबन 8 माह में। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान नई बार डिजिटल के साथ आपका मेजबान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं जलानी पहाड़ के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ से गुजर रहा था कि मैं अपने एक भाई को यहाँ पर बैठे हुए देखता हूँ, जो कि इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में, बगैर किसी छत के इस ठंडे फर्श, इस ठंडी ज़मीन के ऊपर बैठा हुआ है। ये मिट्टी के ऊपर बैठा हुआ है जो कि इस टाइम पानी से तर रहा है और ठंडी हुई हुई है। यहाँ पर ये मेरा भाई क्या करता है? इसको आंखों से नज़र नहीं आता, ये नबीना है। कहानी क्या है, इसी की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाइए। अल्लाह का बड़ा एहसान है। क्या नाम है मेरे भाई का? जी मेरा नाम हिलाल खान है। हिलाल खान, यहाँ पर क्या करते हो आप? यहाँ पे असल में तो मैं यहाँ पे वेट मशीन लगाता हूँ, तो पार्ट टाइम में पढ़ता हूँ, फर्स्ट टाइम हिफ्ज करता हूँ अनवारुल कुरान मदरसे से। तो जो टाइम मुझसे जो है ना फारिग होता है, तो मैं यहाँ पे आके वो वेट मशीन लगाता हूँ, अपना गुजारा चलाता हूँ। हम तीन ब्रदर है, हम सारे यानी ब्लाइंड है। तीन तो, के तीन भाई ब्लाइंड हुआ, तीनों को नज़र नहीं आता? नहीं आता जी। अच्छा, जो वेट मशीन है उसके वेट करने के कितने पैसे लेते हो? वो लोग अपनी मर्जी से देते हैं, मैं किसी को कुछ नहीं कहता कि आपने इतने देने इतने देने। उसके अलावा कुछ और बेचते हो यहाँ पर? यहाँ पे तो नहीं बेचता, और जो है ना मसवाक, तस्बीह, ये काम भी मैं करता हूँ जुम्मे के दिन। वो जुम्मे के दिन लिंक रोड पे मैं वो करता हूँ। अच्छा, इधर आप डेली आते हो, रोज़ाना आते हो? डेली आता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पर किस तरह पहुँचते हो आप? असल में स्पीडो बस, ये लाल, ये तो आपको पता होगा ना? हाँ जी। तो उस पर बैठ के आ जाते हैं। तो अब इस तरह पता चलता है कि ये मेरी बस आ गई है और ये मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देगी? ये बस अंदाजे से इंसान को पता चलता है ना। देखें, अब लोग हेल्प भी करते हैं कि बस आ गई आप यहाँ पे, अब हाथ से पकड़ के ना वो फिर बिठा देते हैं, तो इसी तरह काम चल जाता है। लाल खान, कभी बचपन से ही आप ब्लाइंड हो या अभी कोई ऊपर जब उम्र आपकी बढ़ती गई तब आपकी ब्लाइंडनेस ख़त्म हुई? नहीं नहीं, ये बचपन भाई बर्थ से ही, ये भाई बर्थ से ही ऐसे हो जी, जी। आप कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हो? जी जी जी। अनवारुल कौन सा? अनवारुल कुरान मदरसा। ये कहाँ पर है? मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक में है। वो क्यू ब्लॉक में है। उधर भी खुद अकेले जाते हो? बस अकेला ही समझे। हाँ अकेले जाते? जी जी जी। तो कुरान पाक, आपका कुरान पाक हम जिस तरह जो देखने वाले लोग होते हैं उनसे अलग होता है? जी नहीं, वही कुरान है, लेकिन मैं अब मुझे कारी साहब सुनाता है, वो सिखा के मुझे, तो फिर मैं याद कर लेता हूँ, फिर उस कारी साहब को सुनाता हूँ। माशाल्लाह हलाल खान, आपने तो मुझे हैरान कर दिया। कितने सपारे आपने हिफ्ज कर ली? मेरे 20 पारे होंगे अभी हिफ्ज। सपारे माशाल्लाह आपने हिफ्ज कर ली है? हाँ जी। कितनी देर में किए? मैंने अभी किए तकरीबन 8 माह में। 8 माह में माशाल्लाह 20 पारे आपने हिफ्ज कर ली हैं। मैं सुभान अल्लाह यार, अल्लाह पाक आपको हिम्मत ताकत दे, सलामत रहें आप। तो 10 सपारे मजीद कितने वक्त में हिफ्ज कर लो? इंशाल्लाह ये भी जल्दी से जल्द से जल्द हो जाएगा। ये इसके बाद क्या मुस्तकबिल में प्लान है आपका? मुस्तकबिल में बस आगे सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। इंसान को कदम उठाने में सोचना चाहिए ना, आपको पता ही है। तो ये कुरान कंप्लीट हो जाए, इसी बार रमज़ान में सुनाना भी है फिर मैंने तो इंशाल्लाह। तो हलाल खान, मुझे ये बताएं, जो आपके वालिदैन हैं, अम्मी अब्बू हैं, वो क्या करते हैं? वाल साहब मेरे बूढ़े हो चुके हैं, वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं। बस हम भाई हैं, बस घर का खर्चा चला लेते हैं, खुद अपना भी करते हैं, साथ पढ़ते भी हैं। तो हम क्या करते हैं जो तीन भाई हैं आपके? अपना स्ट्रगल करते हैं हम। तो भाई मेरे वो बीए कर रहे हैं, यानी बीए उनका भी कंप्लीट हो चुका है। यानी क्या चीज़? बीए जो है ना उनका कंप्लीट हो चुका है। दोनों भाइयों का? एक का। दूसरा भाई क्या कर रहा है? सेकंड डिवीज़न उसका आया हुआ है। तो दूसरा भाई जो है ना वो अभी तजवीद भी वो कर चुके हैं, तो अभी किताबें पढ़ रहे हैं वो। किताबें कौन सी? जी इलाम, इलम की। ये जो आलिम बनते हैं, इलामा बनते हैं? जी जी, 8 दर्जे होते हैं वो पढ़ रहे हैं अभी। 5 दर्जे हो गए? 5 हो गए उसके। लाल खान आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है तकरीबन 18 साल। हाँ जी। लाल खान, आप यहाँ से डेली कितने मतलब पैसे ले जाते हो घर?
ये तो हवाई रोजी रोटी अल्लाह, कभी ज्यादा कभी कम। अब मैं आपको एग्जैक्ट क्या बताऊं कि मैं बता दो कि आप इतने पैसे डेली आप यहाँ से ले जाते हैं। 700 तो ले जाता हूँ। 600-700। किराया कितना लगता है आपका? किराया ज़्यादा लगता है, किराया तकरीबन अब बता दूं मैं 100-150-200 तक लग जाता है। तो 700 अगर आप कमाते हो तो 500 रुपया घर लेकर जाते हो? बस हाँ, इससे खाना खूना वगैरह खा लेते हैं बस। और बाकी भाई क्या कमाते हैं? वो भी मसवाक ये तस्बीहें बेचते हैं। मसवाक और तस्बीहें? जी जी, उनसे। लाल खान कभी किसी से कोई गिला हुआ है ज़िंदगी का लेकर? नहीं, बस हमने किसी से क्या गिला करना है, कौन किसी के लिए क्या करता है, आप इस दौर में ख़ुद सोचे, बंदा अपना वो गुजारा चलाएं तो ये भी बड़ी बात है। तो अब इस दौर में किसी से क्या वो गिला नहीं वो होता ना, आपको ख़ुद भी पता है। हलाल कितने बजे यहाँ पर आ जाते हो आप? मैं तो जल्दी आज आया था, 1 बजे आया था मैं। 1 बजे? जी जी जी। और जाते कितने बजे हो? जाता हूँ अभी बस 6 बजे जाऊँगा इंशाल्लाह। 6 बजे चले जाओगे यहाँ? जी जी जी। घर जाके क्या करोगे? घर जाके बस वैसे ही बैठे रहेंगे, गप शप करेंगे भाइयों के साथ, फिर सो जाएंगे। सारे दिन के वाकया उन्हें बताओगे? हाँ जी, कि ये हुआ था वो हुआ था। हलाल कितना मुश्किल है यार, मैं तो बस समझ नहीं आ रही आपसे सवाल क्या करूं कि इस तरह ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। मुश्किल तो होता है, बस बंदा जो है ना हार ना माने तो वो बड़ा कुछ उससे बन सकता है। अगर वो ख़ुद को जो है ना बड़ा आदमी बनाना चाहे ना तो उसको कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो हलाल अपने आने वाले मुस्तकबिल में आप जिस तरह कह रहे हो भरा आदमी इंसान बने तो उसको हार नहीं माननी चाहिए, आने वाले दिनों में आप अपने आप को किधर देखते हो? बस अब सोचने से पहले तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि आप, मैं अब हिफ्ज करूंगा इंशाल्लाह, आलिम बनूंगा इंशाल्लाह, यही सोच है मेरा। अपना काम भी करूंगा। काम क्या, कारोबार क्या करना चाहते हो? कारोबार तो मैं बड़ा कारोबार मसवाक तस्बीह का जो है ना, अब मेरे पास पैसों का कमी है वरना मैं बड़ा कारोबार शुरू कर लेता। ये वेट मशीन भी मैं बड़ी मजबूरी से लगाता हूँ क्योंकि सामान लाना पड़ते हैं मसवाक तस्बीह और पैसे होते नहीं है पास, तो इस वजह से मैंने वो काम ज़रा ना कभी कबार करता हूँ। मसवाक कहाँ से लाते हो और किस तरह लाते हो? ये मैं शालमी मार्केट जाता हूँ, वहाँ से वो अकेले ही जाता हूँ। वहाँ पे किस तरह पहुँचते हो, रास्ता कौन बताता है? रास्ता नहीं, मुझे बस खुद पता होता है। मैं 2 साल में तकरीबन 3-4 साल मेरे लाहौर में हो गए रह के ना, तो अब रास्ते याद किए हुए थे। लाल खान आखिर पे किसी को कुछ कहना चाहोगे? बस मैं क्या कहना चाहूँगा, बस अब हर आदमी को ये जानना चाहिए कि देख लें, ये मजदूर इतने मेहनत कर रहे हैं कि साइटेड बंदों को नहीं बैठ घर बैठ के नहीं वो करना चाहिए ना, क्योंकि ये दौर अब इस तरह नहीं रहा जिस तरह पहले था, बंदा बैठ के भी गुजारा हो जाता था। अब नहीं होता, अब होता ही नहीं है। नाज़रीन, ये हिलाल खान मेरा भाई मेरे साथ मौजूद था जो कि दिन को कुरान पाक की तालीम हासिल करता है, कुरान पाक का हाफिज़ बन रहा है, उसको अपने दिल के अंदर महफूज कर रहा है और 8 माह में इसने 20 पारे हिफ्ज़ कर लिए और 10 पारे इसके रह गए हैं, ये हाफिज़ कुरान बन जाएगा, इसके दिल के अंदर पूरा कुरान महफूज हो जाएगा। और पार्ट टाइम सेकेंड टाइम यानी कि यहाँ पर आकर वेट मशीन लगाता है और उसके अलावा इधर चंद मसवाके रख कर उसको बेचता है ताकि घर का निज़ाम चले। 3 मजीद भाई हैं, वो भी ब्लाइंड हैं, उनको भी बचपन से नज़र नहीं आता और जो कि वो भी दुनियावी और दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये एक मोटिवेशन स्टोरी भी है और हमारे लिए एक सवालिया निशान भी है कि हमारे पास अल्लाह ने हमें हर एक चीज़ नेमत दी है, हाथ दिए, पाँव दिए, देखने के लिए आँखें दी, सुनने के लिए कान दी हैं, लेकिन हम फिर भी हमेशा कोई ना कोई बहाना मार देते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। हलाल खान हमारे पास ज़िंदा मिसाल है कि इसने हमें साबित करके दिखा दिया कि अगर इंसान कुछ करना चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।